क्या हाल है भाई लोगों के। गाइस मैं आया हूँ दोबारा वीडियो लेके, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सच में मेरे को बहुत मतलब बिजी भी नहीं था और मैं खाली भी नहीं था, तो मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अभी मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर रहा था इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है सोनीपत में। इस पहले मेरे को एक सोनीपत में प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन उसकी मैंने पूरी प्रोसेस नहीं दिखाई थी और मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो अभी मैं मेरे को यहाँ पर टाइम मिला है, ये बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो इसका मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग भी बना लूँ और काम भी हो जाए मेरा पेंटिंग का। तो इसी के साथ मैंने ये वीडियो बना ली है, ये वीडियो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अगर आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो, थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाएगा और आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो ये वाला प्रोजेक्ट मेरे को मिला है, तो इसकी मैं डिटेल्स भी बता रहा हूँ आपको। ऐसे करके वॉल है, पहले मैं दिखाता हूँ, ये अपना एरिया है। यहाँ पे एक कैफ़े खुलने वाला है जिसका नाम होगा एंडी मोमोस। नाम थोड़ा सा क्लीशे है, मतलब कह सकते हैं जिस जो कि एंडी बोले तो हरियाणवी वर्ड है, एंडी एकदम मस्त वो बोलते हैं। तो ये वीडियो भी जैसे एंडी होएगी तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्क भी एंडी एंडी होएगा। एंडी बोले तो बोल रहे हैं धांसू या अमेजिंग या अच्छे को बोलते हैं हरियाणवी वर्ड में, तो इसलिए इस कैफ़े का नाम होने वाला है एंडी मोमोज, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चाइनीज़ फूड का होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा थीम लेके चल रहे हैं। तो मैं भी उसी तरीके से एक थीम लेके चल रहा हूँ और अपने आर्ट वर्क बना रहा हूँ जिसमें मैंने हरियाणवी और दोनों चाइनीज़ दोनों कॉम्बिनेशन करके एक आर्ट वर्क बना रहा हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ वो आर्ट वर्क कैसा होने वाला है, क्या बना रहा हूँ। तो अभी मैंने इस पर बेस कर लिया है, ये रहा एक मिनट। तो ये वर्क है ना जिसमें मैंने अभी इस पर बेस कर लिया है, वाइट बेस करा है, और बाकी इस पर डिटेलिंग अभी भी तो बहुत काम बाकी रहता है, पर जैसे कि ज़रूरी होता है इसमें जैसे वाइट कलर था तो उस पर बेस लगाना ज़रूरी होता है वाइट बेस। तो अभी जो हमारा वो मैं बस दिखा रहा हूँ, नहीं फिर थोड़ा सा जगह दिखा देता हूँ। बस ये अपना जो मैंने दिखाया है ये मैं इस पर बनाने वाला हूँ, और ये कोई बाबा टाइप का एक लड़का बैठा है जो कि बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है, और चाइनीज़ उसमें जैसे यहाँ पे हरियाणा में लोग बाबा को बहुत मानते हैं और शिव जी को भी मानते हैं, तो ये एक ऐसा गेस्चर मैंने और ऐसा पोस्चर इसका दिया है जिसमें ये चाइनीज़ मतलब बुद्धिज़्म को भी और हरियाणवी कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये मेरा थीम है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये काम करा है। देखेंगे इसमें मज़ा आएगा यार, काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है जैसे अभी भी, और होप सो ये अच्छा हो काम और सबको पसंद भी आए, आप लोगों को पसंद आए। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये क्योंकि इसमें कई सारी वॉल हैं। एक ये वॉल है जिस पे मैं पांडा बनाने वाला हूँ, कुंग फू पांडा विद मोमोज, और ये वाला जो वॉल है इसमें मैं थोड़ा 3D में कुछ बनाऊँगा, देखेंगे कि कैसा बनेगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से कि अच्छा ही काम हो और वीडियो भी अच्छी बने, आप लोगों को पसंद आए। कोशिश कर रहा हूँ यार मैं भी कि अपने जैसे अच्छे अच्छे वो डाल कॉन्टेंट डालूँ, लेकिन अभी कम प्रोजेक्ट मिलते हैं तो मैं वो टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, बहुत लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। पर कोशिश करूँगा कि अब रेगुलरली या मिनिमम वीकली तो वीडियो डालूँ ही, ताकि आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कर सकें और मेरा भी भला हो जाए। तो अभी मिलता है, मैं थोड़ा काम शुरू करूँगा। तो प्रोसेस मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही मेरे पास फ़ोन है, इसी से मैं वीडियो बनाता हूँ और फिर इसी में मैं काम किसी को देख के काम करता हूँ। वैसे प्रिंट लगाया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी हो सकेगा मैं वीडियो में डालूँगा, देखते हैं कैसे रहेगा, मिलते हैं फिर। 2 hours later. Bullshit. थक गया यार, मतलब थका तो नहीं हूँ, काम हो रहा है, काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मोरल डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, इतना सारा काम बचा है और अभी तक ये मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई। मैं
दिखाता हूँ अभी मैंने क्या क्या किया है और कहाँ तक पहुँची है मेरी प्रिंटिंग। तो ये देखिए भाई साहब, ये मेरी पेंटिंग अभी इतनी ही हुई है लगभग इसका, ये देखिए अभी ये हुआ है और अभी पूरा ये बाकी है। बहुत सारा काम बाकी है अभी तो बहुत सारा। कोई नहीं, आप लोग मेरे साथ होते तो मैं बिल्कुल करता रहूँगा, बिल्कुल आप मेरे को सपोर्ट करो यार, और बहुत लाइक शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ जाता है, काम करने में मज़ा आता है। तो काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक करते ही रहूँगा, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, अभी करता हूँ वर्क में, चलते हैं। गाइस देखो अभी मैं कहाँ पे चढ़ा पा रहा हूँ, पेंटिंग का पूरा इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अनकम्फर्टेबल हूँ। और लगभग पेंटिंग का काफ़ी पार्ट बचा है पेंट करने के लिए, और बाकी और चीज़ें भी हैं इसमें जो मैं डिटेलिंग में करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये है। अभी देखा तो क्या मैं बना रहा हूँ, किस पोजीशन में बताऊँ, मैं पेंटिंग करूँ क्या वीडियो बनाऊँ, इसलिए सॉरी बट मैं लास्ट में दिखाऊँगा ये जो सारी पेंटिंग बनी हुई है वो क्या बनाऊँ। तो अभी ये दिखाता हूँ क्या बन रहा है बना रहा हूँ, ये बना डाले ब्रश। एक हाथ से ब्रश पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से प्लेट और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। अब मैं बताओ क्या वीडियो बना सकता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कर लूँगा। यस लास्ट सैन, यू कैन डू इट मैन। यस सुनो, आया होगा किसी को बोलना मत, ठीक है। तो ये था लास्ट आखिरी वाला छोर पेंटिंग का, दिखाता हूँ क्या बनाया बनी हुई है यहाँ पे सारी की सारी। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ी पे से, तो गया टना। ये था वो लास्ट आखिरी पॉइंट जिसको मैंने बनाया था, ये ऐसे जाके ई सी जाके। यस अभी थोड़ी अभी अनकम्प्लीट है, दिन में दिखाऊंगा, अभी क्योंकि रात हो रही है, कल को थोड़े से और चीज़ें इसमें डिटेल में बनानी है वो करके फिर ये कंप्लीट। ढांसू लग गया यार, ओके गाइस, तो सो वेट इज ओवर एंड नाउ आई विल शो यू माय वर्क। हाँ कंप्लीट हो गया यार। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ जो मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार देखने में, आपको भी मज़ा आएगा। तो अभी बस मैं दिखा रहा हूँ कि क्या बन गया है, चलते हैं।